नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आरएसएट एग्जाम 28 नवंबर 2021, यानी आप कह सकते हैं कि अभी आपके पास में बचा है मात्र 3 दिन का समय। तो फ्रेंड्स, हो जाइए तैयार और इस सेशन के अंदर जुड़ जाइए जल्दी से, क्योंकि फ्रेंड्स अभी तक आपने अगर कोई नहीं पढ़ा है तो संध्या कंप्यूटर आपका तहे दिल से स्वागत करता है। अंतिम दिनों की तैयारी होती है सब पर भारी, इसी जोश और जुनून के साथ में इस सेशन के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बोल देता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं 2 दिन के अंदर वो वीडियो जो फ्रेंड्स आपके आरएसएटी के अंदर 90% से क्रॉस करने में एक रामबाण की तरह काम करेंगे। यानी फ्रेंड्स 26 तारीख को आ रहा है आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, आप कह सकते हैं, जिसके अंदर महत्वपूर्ण 150 क्वेश्चन के बाद साथ में हम यहाँ पे इस मॉडल पेपर को पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने है और सभी विद्यार्थी, मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए आप मेरे साथ साथ में कमेंट करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, GUI का पूरा नाम बताइए। फ्रेंड्स GUI की बात हो रही है, फ्रेंड्स अभी फ्रेंड्स यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन करने की बात नहीं है, अभी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फ्रेंड्स वे क्वेश्चन हम करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स GUI का मतलब ही होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हो, बिल्कुल कमेंट भी आ रही है क्या हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है और ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्न में से किसके द्वारा आप वीडियो गेम्स और अन्य सॉफ्टवेयर, फ्रेंड्स आप कह सकते हैं क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण, आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से किसके द्वारा आप वीडियो गेम्स और एप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स किसके द्वारा करेंगे, कोर्टाना, विंडोज स्टोर, माइक्रोसॉफ्ट एज या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो राइट आंसर हो जाएगा विंडोज स्टोर। फ्रेंड्स गूगल प्ले स्टोर की तरह कंप्यूटर में एक ऐसा ये एप्लीकेशन होता है जहां से आप वीडियो गेम्स आदि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे और बताएंगे इस तीसरे नंबर के क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। निम्न में से निजी नेटवर्क है, फ्रेंड्स क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में सीधा सीधा बना है। तो फ्रेंड्स इंटरनेट होता है ये तो होता है वैश्विक या सार्वजनिक नेटवर्क, आप थोड़ा ध्यान देंगे, इसको तो कहा जाता है फ्रेंड्स सार्वजनिक नेटवर्क, यानी सभी के लिए उपयोगी, इसको तो कहा जाता है सार्वजनिक नेटवर्क। तो फ्रेंड्स निजी की बात हो रही है तो निजी नेटवर्क कौन सा होता है, प्राइवेट नेटवर्क इज ए इंट्रानेट, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ इंट्रानेट, इसका याद रखना इंट्रानेट एक होता है वो निजी नेटवर्क का उदाहरण है, जबकि हम इंटरनेट चला रहे हैं ये फ्रेंड्स वैश्विक नेटवर्क या सार्वजनिक नेटवर्क कहलाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ईमेल का पूरा नाम, फ्रेंड्स क्वेश्चन एकदम हलवा है, इजी क्वेश्चन कह सकते हैं, बट अभी फ्रेंड्स हम मात्र 3 से 4 दिन में ऐसी तैयारी करेंगे कि आपकी आरएसएटी खोपड़ी में सीधा सेध हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं 90% से क्रॉस करूं तो फ्रेंड्स संध्या कंप्यूटर के ऊपर एक बार विश्वास बना के आप देख लीजिए और एग्जाम से बाहर आते आप अवश्य कमेंट करना कि फ्रेंड्स हाँ आपने यहाँ पे जो जो क्वेश्चन देखे थे वही क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में मिलेंगे। ईमेल का पूरा नाम, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इजी है बट आप याद रखना क्वेश्चन आने लायक है, इसलिए मैंने इसको डाला इसके अंदर और बार बार ये पूछा गया क्वेश्चन कह सकते हैं। ईमेल का पूरा नाम होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। फ्रेंड्स ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई वॉल्ट, इनमें जहां पे ज्यादातर ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक ही होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पे यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक मेल, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने अभी आ गया है महत्वपूर्ण, जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, HTTPS का पूरा नाम बताइए, HTTPS का पूरा नाम बताइए। तो HTTPS का पूरा नाम होता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S का मतलब होता है सिक्योर, S का मतलब फ्रेंड्स होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे सिक्योर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि फ्रेंड्स मेरे 90 से क्रॉस बने तो संध्या कंप्यूटर को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स आपको बोल देता हूं कि हम 2 दिन के अंदर एक बहुत बड़ी क्लास लेके आपके सामने आ रहे हैं, जिसके अंदर महत्वपूर्ण 150 क्वेश्चन को पूरा करेंगे।
यानी आप कह सकते हैं कि रात 8 बजे से लगा के 10 बजे तक, यानी 2 घंटे का महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा आपके सामने नाइट में। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो के अंदर आप जुड़ जाना, एक ही वीडियो सीधा आपके RSAT में 90 से क्रॉस करने के लिए रामबाण की तरह वो कार्य करेगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए, ई कॉमर्स के प्रकार। इसमें मैंने अभी बोला कि ज्यादातर ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में क्या क्या देखेंगे, B2C बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कंज्यूमर कह सकते हैं, B2B बिजनेस टू बिजनेस, C2B कंज्यूमर टू बिजनेस, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल एफ एबो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया है। निम्न में से कौन सा, या निम्न में से कौन सी क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है, क्रेडिट कार्ड की विशेषता कौन सी नहीं है? तो बैंक द्वारा छोटे प्लास्टिक कार्ड जारी करना, बैंक यहाँ पे बिल्कुल फ्रेंड्स क्रेडिट कार्ड कहलाएगा, भुगतान की एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, बिल्कुल राइट है, पहले खरीदे बाद में भुगतान करें, बिल्कुल फ्रेंड्स पहले हम खरीदते हैं और बाद में उसका भुगतान करते हैं, और ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ खरीदे और एक साथ भुगतान करें। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, यानी दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता, पहले वस्तु को खरीदनी पड़ती है बाद में बेचनी पड़ती है, सॉरी बाद में उसका भुगतान करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इससे मिलान नहीं खा रहा है, ये क्रेडिट कार्ड की सही विशेषता नहीं होती है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न में से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का उदाहरण है, निम्न में से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का उदाहरण कौन सा नहीं है? फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे, कौन सा नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट होता है जैसे आप शॉपिंग करते हैं, अमेजोन भी होता है, स्नैपडील भी होता है, बट विकिपीडिया नहीं होता है, क्योंकि विकिपीडिया होता है विश्व मुक्त कोष होता है, विश्व आप मुक्त कोष इसको कह सकते हैं, विश्व मुक्त कोष किसको कहा जाता है? तो आप बोलेंगे विकिपीडिया होता है, इसको विश्व मुक्त कोष के रूप में जाना जाता है। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्न में से लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण या प्रकार है? तो फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे, एंड्रॉइड होता है, विंडोज फोन OS होता है, एप्पल OS होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी जो भी आपके सामने ये दिख रहा है ये सारे के सारे किसके उदाहरण है? तो आप बोलेंगे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम या मोबाइल OS के उदाहरण हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, फ्रेंड्स उम्मीद है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको काफी पसंद आ रहे होंगे, और फ्रेंड्स मैं बोल देता हूँ कि हमें अच्छे से मालूम है कौन सा क्वेश्चन अब की बार आने वाला है, तो फ्रेंड्स वही क्वेश्चन हम वीडियोज के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं जो अब की बार बिल्कुल आपके एग्जाम में दिख सकता है। निम्न में से किसके द्वारा फाइल साझा कर सकते हैं, यानी फाइल शेयरिंग करना, फाइल को शेयरिंग किसके माध्यम से किया जा सकता है? तो आप बोलेंगे शेयर इट से किया जाता है, तो यहाँ पे गूगल मैप नहीं होगा, विंडोज नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ शेयर इट, शेयर इट सभी को मालूम होगा फ्रेंड्स, शेयर इट होता क्या है? तो ये आप बिल्कुल यूज करते होंगे अपने मोबाइल के अंदर फाइलों को साझा करने के लिए, जेंडर है, शेयर इट है, ये सभी फाइल ट्रांसफर करने के लिए यूज में आने वाले एप्लीकेशन कह सकते हैं। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन काफी स्क्रीन के सामने महत्वपूर्ण आ चुका है, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। विंडोज 10 में यूजर इंटरफेस के नीचे भाग में मौजूदा होती है, और आमतौर पर इसमें स्टार्ट मेन्यू होता है, यानी इससे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, निचले भाग में और स्टार्ट मेन्यू, मतलब बात हो रही है किसकी, टास्क बार की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, टास्क बार के, ऑप्शन नंबर बी टास्क बार, यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन आप आंसर यहाँ पे कमेंट करते जाइए और मेरे साथ साथ में दोहराते जाइए, और अंतिम में ये भी बताइए कि फ्रेंड्स आपके इस मॉडल पेपर से कितने सारे क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। फ्रेंड्स आज इस मॉडल पेपर में हम पुराने वाले आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल किए हैं, और क्या रहता है क्वेश्चन पूछने का तरीका वो आज आप बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट रूप से देख पाएंगे। निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी ई मित्रा वेब पोर्टल का उपयोग करके लाभ नहीं उठा सकते, यानी ई मित्र पोर्टल से वो संबंधित नहीं है? तो बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं, बिल्कुल संबंधित है, पानी बिल का भुगतान कर सकते हैं, बोनाफाइड यानी मूल निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं, तो यहाँ पे मोबाइल के बीच फाइलें साझा करना, यानी मोबाइल के बीच में फाइल साझा करना, ये ई मित्र से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। एमएस एक्सेल 2010 में फ्रीज पेन कमांड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ये क्वेश्चन अंडरलाइन कर दीजिए, अब की बार आपके एग्जाम में हूबहू दिखने को मिल सकता है।
अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि मैं पूरी तरह से RSAT को एकदम परफेक्ट रूप से यहाँ पे कवर करना चाहता हूँ, एक भी क्वेश्चन मेरे यहाँ पे एग्जाम में गलत नहीं हो, तो फ्रेंड्स आज ही इस संध्या कंप्यूटर के द्वारा अपलोड की गई 3 घंटे की क्लास को आप अवश्य देखिए। यानी RSAT माँ मैराथन क्लास के नाम से आप सर्च करेंगे तो संध्या कंप्यूटर का RSAT के अंदर अब तक का सबसे बड़ा वीडियो, 3 घंटे से ऊपर का वीडियो आपको बोर्ड पे बताया गया है। तो फ्रेंड्स उस बोर्ड वाले वीडियो को देख के आप पूरी तरह से RSAT को कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। क्या होगा राइट आंसर? तो फ्रेंड्स फ्री स्पैन कमांड का मीन्स होता है रो कॉलम, जैसे रो या कॉलम को एक जगह पे स्थिर करने के लिए। यानी फ्रीज का मीन्स ही क्या होता है, जमाना या जमना कह सकते हैं। तो फ्रीज करने के लिए आप वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल ना हो, ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के सामने है। एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड खाली जगह को नहीं डाला जा सकता। यानी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमएस पावर पॉइंट में आप निम्न में से स्लाइड में क्या नहीं डाल सकते। तो फ्रेंड्स गणितीय समीकरण डाल सकते हैं, वीडियो फाइल डाल सकते हैं, ऑडियो फाइल डाल सकते हैं, बट मॉडेम कैसे डाल पाएंगे? ये तो एक हार्डवेयर है और हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर में कोई यहाँ पे ताल्लुक नहीं होगा अंदर डालने से संबंधित। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी पे लिखा हुआ मॉडेम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI कह सकते हैं, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी किया गया है? तो आप बोलेंगे रुपे कार्ड। क्या बोलेंगे आप? रुपे कार्ड। यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और, क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। MICR में सी का अर्थ बताइए। पहली बात तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, मैं पूरा बता देता हूँ, MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो सी का मतलब हुआ यहाँ पे करेक्टर हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो बैंकिंग सेक्टर में उपयोग में लिया जाता है। यानी बैंकिंग के अंदर चेक को क्लियरिंग करना, बैंक के अंदर डॉक्यूमेंट दस्तावेज संबंधित एक ऐसा इनपुट डिवाइस होता है जो बैंकों के अंदर चेक क्लियरिंग करना, दस्तावेज को पढ़ने का कार्य करता है। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और, क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 17 और राइट आंसर देंगे सभी स्टूडेंट, मैं आपसे ये बोलता हूं, वेब संसाधनों के लिए एक संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए इसके स्थान को निर्दिष्ट करता है। यानी क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है, वेब संसाधनों के लिए एक संदर्भ। यानी यहां से आप याद रख लीजिए ये क्वेश्चन, वेब संसाधन का पता जो होता है वो क्या कहलाता है, URL कहलाता है। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना हुआ है, आप देखेंगे इसको, बिल्कुल URL यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और कमेंट कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, किसी एमएस एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत, यानी आप कह सकते हो जैसे A1 और A1 से A10 तक मुझे सारा का सारा यहाँ पे एक साथ लेना, तो आप बीच में कौन सा सिंबल लगाते हो? ये होता है फ्रेंड सिंबल, ये होता है कॉलन का सिंबल। ये किसका सिंबल होता है? कॉलन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और आप एग्जाम की दृष्टि से ये मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में आप देख सकते हैं। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और, व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी इजी है और महत्वपूर्ण भी कह सकते हैं। तो व्हाट्सएप आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, चैटिंग के लिए कर सकते हैं, इमेज फाइल और दस्तावेज भेजने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। मीन्स ये सभी प्रक्रिया कर सकते हैं, उपरोक्त सभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता है? यानी इनमें से ऐसा कौन सा जो ईमेल फोल्डर के अंदर आपको नहीं दिखेगा? तो फ्रेंड्स सेंट मेल यानी यूजर के द्वारा भेजी गई मेल कहां पे रहेगी? सेंट मेल के अंदर होती है। ट्रेस यानी डिलीट की गई मेल कहां पे रहती है? ट्रेस में रहती है। स्पैम महत्वपूर्ण मेल या फिर आप कह सकते हैं अनसाई मेल कहां पे रहती है? स्पैम के अंदर। तो फ्रेंड्स रिसीव मेल कोई फोल्डर नहीं होता है, रिसीव मेल के बदले में तो क्या होता है, इनबॉक्स होता है। फ्रेंड्स क्या होता है? इनबॉक्स होता है। तो ये रिसीव मेल कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता है ईमेल फोल्डर के अंदर। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और, क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए, ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है और फ्रेंड्स क्वेश्चन आप महत्वपूर्ण तरीके से देखेंगे। अपने कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे?
तो फ्रेंड्स जल्दी से कमेंट करेंगे, माइक नेटवर्क, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, वायरलेस नेटवर्क या नेटवर्क सेटअप। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के नेटवर्क स्थापित करने के लिए नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का उपयोग कर सकते हैं। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। एमएस वर्ड में किन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किया जाता है? अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी फॉन्ट को ग्रो करो, यहाँ पे ग्रो करने की शॉर्टकट कीज होती है, फॉन्ट को ग्रो करने की शॉर्टकट कीज होती है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन, बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? ग्रेटर देन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से साइबर थ्रेट नहीं है, यानी साइबर थ्रेट का मतलब होता है साइबर खतरा जिससे हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंच सकता है, साइबर थ्रेट की श्रेणी में आएगा? तो फ्रेंड्स मालवेयर होता है, फिशिंग भी होता है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज होता है, बट एसएसओ नहीं होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल बना हुआ है। सभी विद्यार्थी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये क्वेश्चन आप एक बार अवश्य देखिए और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से आप पता लगाइए कि क्वेश्चन लेवल क्या होता है आपके आरएसएट एग्जाम का। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। एलसीडी प्रोजेक्टर को पीसी से जोड़ा जा सकता है? अगर आप चाहते हैं मैं एलसीडी प्रोजेक्टर से एक पर्सनल कंप्यूटर को जोड़ू तो उसके लिए किस केबल की आवश्यकता पड़ेगी? एचडीएमआई, वीजीए, ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों का उपयोग किया जा सकता है। एचडीएमआई का पूरा नाम होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस और वीजीए का पूरा नाम होता है विजुअल ग्राफिक्स एडेप्टर। यहाँ पे आप कह सकते हैं विजुअल ग्राफिक्स एडेप्टर वीजीए का पूरा नाम होता है, विजुअल ग्राफिक्स एडेप्टर कह सकते हैं। यानी क्वेश्चन ये काफी ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। भारतीय आईटी एक्ट 2000 में कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़ करना किस प्रकार की धारा है? कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ में छेड़छाड़ करना किस प्रकार की धारा है? तो फ्रेंड्स ये आईटी एक्ट 2000 है, ये आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर फ्रेंड्स आप साइबर या पे खतरे के लिए आप कह सकते हैं भारतीय आईटी एक्ट 2000 है, ये जो ग्राम सेवक और पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी आप पे ध्यान दीजिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यानी धारा याद रख लीजिए, यानी 65 होती है, ये क्या कार्य करती है? ये कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ में छेड़छाड़ करते वक्त ये धारा लगती है। अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखेंगे सेक्शन 67 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ में छेड़छाड़ करना, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करना फ्रेंड्स 43 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों में संसाधन, यानी आप कह सकते हैं उसमें थोड़ी एडिटिंग कर सकते, यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे 65 बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर साइबर थ्रेट से बचा सकता है, यानी साइबर थ्रेट से कौन बचा सकता है? तो आप बोलेंगे ट्रोजन हॉर्स नहीं बचा सकते, ये तो खुद साइबर खतरा है, स्पाइवेयर भी साइबर खतरा है, मेलवेयर भी है, बट एंटीवायरस क्या होता है? सुरक्षा का प्रकार है, ये एक साइबर सुरक्षा का प्रकार है। कौन सा? तो आप बोलेंगे एंटीवायरस। आप सभी को याद है एंटीवायरस क्या कार्य करता है? तो एंटीवायरस का कार्य होता है अपने कंप्यूटर के अंदर से हानिकारक फाइलों से अपने सिस्टम की सुरक्षा प्रदान करना। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। एंड्रॉइड फोन में सॉफ्टवेयर का वर्जन जानने के लिए आप कौन से कोड डायल किए जा सकते हैं? यानी अगर आप चाहते हैं अपने एंड्रॉइड फोन के अंदर सॉफ्टवेयर का वर्जन चेक करना चाहते हैं तो ये फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन कई बार बना हुआ है और सर्वप्रथम जो कोड लिखा हुआ आपके टेबल के अंदर वो पहला कोड यही है कि सॉफ्टवेयर वर्जन की जानकारी लेने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है स्ट्रेट एस्टैग 1234 एस्टैग, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला है बिल्कुल क्या हो जाएगा आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। जीमेल संदेश का प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जा सकता है, यानी क्या यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा? जीमेल संदेश का प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जा सकता है। एक फाइल जो 10 MB साइज तक की, 10 फाइलें 8 MB साइज तक की, एक या अधिक फाइलें 25 MB तक की। फ्रेंड्स यहाँ ये क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आप ईमेल के अंदर 25 MB तक की फाइल जो भी होती है वो यहां से आप ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहां पे हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चार्ट बनाने के लिए मुख्य भाग है, यानी आप चार्ट किसका उपयोग करते हुए बना सकते हैं एक्सेल के अंदर?
तो आप बोलेंगे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, तो डेटा सीरीज होती है, डेटा लेबल्स होते हैं, ग्रिड लाइन होती है, यानी ये सभी भाग किसके है, शॉर्ट बनाने के लिए उपयोगी ये सारे के सारे कमांड कह सकते हैं। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। आप सभी को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, अगर आप चाहते हैं मैं पूरी तरह से निचोड़ के रख दूं आरएसआरटी के सारे क्वेश्चन को, तो आज ही संध्या कंप्यूटर के द्वारा बनाई गई महामैराथन क्लास को अवश्य देखिए। और फ्रेंड्स तैयार रहे 26 तारीख को, 26 तारीख को तैयार रहेंगे सभी विद्यार्थी। यहाँ पे 8 बजे से 10 बजे तक हम यहाँ पे 2 घंटे की बहुत बड़ी क्लास के साथ में उतरेंगे, मतलब कह सकते हैं 26 तारीख को सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे। 26 तारीख को बहुत बड़ी क्लास होगी, उस क्लास को ज्यादा मात्रा में सभी विद्यार्थी शेयर करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में सेप आउटलाइन बदल सकते हैं, यानी सेप आउटलाइन जो फीचर्स होता है वो किसके द्वारा बदला जा सकता है बताइए। फिल कलर, आउटलाइन कलर एंड वेट, 3D यहाँ पे रोटेशन कह सकते हैं, या फिर फ्लिप एंड शेप्स कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बना हुआ एक बार एग्जाम है, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया आउटलाइन कलर्स एंड विड्थ, यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप ऐसे इन क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन काफी सारे वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स काफी सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चन देखना बहुत ही आवश्यक है। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है। सिक्योर सील क्या है, सिक्योर सील आपने देखा होगा, ट्रस्ट सील कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिशिंग सॉफ्टवेयर है नहीं, मेलवेयर नहीं, ट्रोजनहॉर्स नहीं, एक वेबसाइट की वैधता का प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, किसको, ट्रस्ट सील या सिक्योर सील को कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पे हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से किसका प्रयोग करना चाहिए, जब आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हो तो आप आवश्यक रूप से क्या क्या चेक करना चाहिए, उपयोग या पे भुगतानकर्ता द्वारा प्रयोग किया जाएगा, पासवर्ड दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए, बिल्कुल ये कथन सही नहीं है। क्रेडिट कार्ड का सीवीवी नंबर दिखाना चाहिए नहीं, हर किसी को नहीं दिखाना चाहिए, भुगतान हो जाने पर पुष्टि नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, HTTPS एवं OTP का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे OTP वन टाइम पासवर्ड यानी प्रमाणीकरण के लिए आप किसी भी वेबसाइट को एग्जिस्ट करो इसका मतलब एस लगा हुआ, इसका मतलब सिक्योर है, और OTP फ्रेंड्स आप यूज करो इसका मतलब वहां पे आपके लिए कोई खतरा नहीं है। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। स्क्रीन निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधित कार्य के लिए नहीं है, यानी शिक्षा संबंधित प्लेटफॉर्म यहाँ पे नहीं आपको याद रखना है। तो देखो मॉक होता है, नेपटेल होता है, स्वयं होता है, बट आपको याद रखना है USSD, तो ये तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, यानी भुगतान प्रणाली होती है, ये कोई शिक्षा से संबंधित कोई प्रणाली नहीं कहलाएगी। बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्न स्टेप होंगे, अगर आप चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिलेक्ट डेटा, आप सबसे पहले चार्ट बनाने के लिए उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंसर्ट टैब को खोलेंगे, और इंसर्ट टैब के अंदर जाके आप किसका चयन करेंगे, चार्ट का चयन करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स इस टॉपिक का मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन, और मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट इस मॉडल पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन राइट आंसर के द्वारा इसका कमेंट के द्वारा इस सेशन को पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, वोटर सर्विस पोर्टल, यानी वोटर सर्विसेज के लिए पोर्टल कौन सा है, तो आज ही मैंने क्लास के अंदर बताया था कौन सा होता है, NVSP, यानी NVSP का पूरा नाम आप याद रख लीजिए, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, NVSP का पूरा नाम होता है नेशनल वोटर, क्या होता है, नेशनल वोटर, और S का मतलब हो जाएगा सर्विस, S का मतलब हो जाएगा सर्विस, और P का मतलब हो जाएगा पोर्टल, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। UIDAI आधार कार्ड जारी करती है, RSRTC ये रोडवेज बस के लिए होती है, IRCTC ये होती है इंडियन रेलवे के लिए होती है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके लिए महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। फ्रेंड्स आप सभी विद्यार्थी ध्यान रखना, 26 तारीख को आपके सामने आएगी एक बहुत बड़ी क्लास, यानी वो क्लास जो आपके लिए एक रामबाण की तरह कार्य करेगी, ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य करेगी आप कह सकते हैं, यानी एक ही वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे 100 से 150 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स वो क्वेश्चन देखते ही आप एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं दिखेगा
जो आपको लगे कि हाँ ये मैं नहीं आता, यानी अगर आप चाहते हैं कि मैं 100 out of 100 मतलब यहाँ पे प्राप्त करूँ, तो 26 तारीख को आने वाली 26 और 27 तारीख को बहुत बड़ी बड़ी क्लास आपके सामने पेश होगी, उन क्लासेस को देखना कोई स्टूडेंट नहीं भूलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स इस क्लास को एक महत्वपूर्ण क्लास के रूप में आप बना दीजिए। फ्रेंड्स आपके हाथ में ही होता है किसी क्लास को मोस्ट पॉपुलर के रूप में बनाना। तो फ्रेंड्स मिलेंगे और भी एक नई वीडियो के साथ में, और कमेंट कर दीजिए फ्रेंड्स आपके इस मॉडल पेपर से कितने सारे क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। फ्रेंड्स संध्या कंप्यूटर ये ही साथ है हमारी कि सभी के सभी स्टूडेंट जो हमारे से पढ़ रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के 90 से क्रॉस हो, इसी जोश और जुनून के साथ में मिलेंगे और भी एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गुड नाइट।